हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है सुनील जैन और बच्चों आज आपके साथ मैं प्रोपोर्शन की क्लास करने वाला हूं। एक क्लास हमने पहले प्रोपोर्शन पे की है और आज मैं प्रोपोर्शन कंप्लीट करूंगा। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको करवाने हैं, लेकिन मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि हमारा जो चैनल है लेट्स क्रैक सीए एग्ज़ाम, जहाँ अभी आप मुझे देख रहे हैं, अभी हम लोग दिसंबर के फर्स्ट वीक में बच्चे मैराथन करने वाले हैं और इकोनॉमिक्स जो है आपका वो मैं पूरा कवर करवाऊंगा, ठीक है? तो आप लोग रेडी रहिएगा उसके लिए। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बच्चों मैं लास्ट 15 ईयर से सीए और सीएस के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स टीच कर रहा हूँ बेटा, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसके अंदर शेयर करूंगा कि आपको किन किन पॉइंट्स पे अभी फोकस करना चाहिए, जहां से आपका एग्जाम है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? जैसे आप लोगों को पता है कि एक तो हमारी क्लास अभी यूट्यूब पे हो रही है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम पे, इसी तरह से बच्चे मेरी क्लास अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर भी होती है। क्या सर ऐप पर पेड क्लासेज है? नहीं बेटा, ऐप पर जो मेरी क्लास है वो दो तरीके से है, एक स्पेशल क्लास होती है, ये जो स्पेशल क्लास है ये फ्री क्लास होंगी, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ, ये लाइव क्लास होती हैं, आप मेरे से बात कर पाएंगे, कोई डाउट होंगे तो डाउट भी क्लियर कर पाएंगे बेटा, ठीक है? और जो पहले मैं कर चुका हूँ स्पेशल क्लासेस, उसे आप जो हैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हैं, कितनी बार भी देखिए वो क्लासेस ओपन हैं। इसके बाद फिर बच्चों आता है हमारा प्लस कोर्स, इसके बाद आता है हमारा प्लस कोर्स, और ये जो प्लस कोर्स है बच्चे ये पेड कोर्स रहता है, बट ये बहुत एडवांस कोर्स है बच्चे, बहुत एडवांस कोर्स रहता है ये वाला। इसके अंदर अगर मैं आपसे बात करूं, जो आपका सेशन रहेगा मैं बता दूं आपको, पहली बात तो इसके अंदर ना डेली क्लास होती है, डेली क्लास होंगी, लाइव क्लास होंगी, ऐसा नहीं है कि कोई रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल हो गया, डेली क्लास प्लस लाइव क्लास प्लस फिर क्या रहता है, जनरली जब हम लोग जैसे मान लो बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में क्या रहता है, बच्चों के डाउट्स रहते हैं, तो इसमें ना स्पेशल डाउट सेशन रहेंगे, ऐसा नहीं कि क्लास के बीच में मैंने कोई डाउट लिया, स्पेशल डाउट सेशन रहेंगे जिसके अंदर जो है बच्चे आप अपने सारे डाउट डिटेल से मेरे साथ वो क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद आपके लाइव क्विज रहते हैं, प्लस आपके फिर क्या रहेंगे बच्चों, मॉक टेस्ट भी रहेंगे, ठीक है? तो ये कंसेप्ट रहता है बच्चे प्लस कोर्स के लिए। इसके लिए जो सब्सक्रिप्शन अमाउंट है वो बहुत ही नाम मात्र है, पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप सब्सक्राइब करेंगे आपको मिलने वाला क्या क्या है, सीए फाउंडेशन और सीए इंटर, ये दोनों ही क्लासेस की आपको एक्सेस मिलेंगी। 4 पेपर आपके होते हैं सीए फाउंडेशन में और बेटा 8 पेपर होते हैं आपके इंटर में, तो टोटल 12 पेपर की आपको एक्सेस मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने अगर प्लस कोर्स को सब्सक्राइब किया तो खाली मेरे कोर्स को देख पाएंगे, जितने भी एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे उन सभी की क्लासेस और 12 पेपर्स वो सारे आप देख पाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मैथमेटिक्स टीच कर रहा हूँ तो और भी फैकल्टी होंगी जो मैथमेटिक्स टीच कर रही होंगी, उनकी क्लासेस को भी आप देख पाएंगे। तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स हैं। अगर आप देखें तो जो 1 मंथ का प्लान है वैसे 3500 रुपीज का है, लेकिन अगर आपने मेरा कोड SPSUNIL1 इसे अगर यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, आपकी फी हो जाएगी 3150। सेम ऐसे बच्चे 3 मंथ्स का प्लान है वो आफ्टर डिस्काउंट आपको पड़ेगा 7875 का, 6 मंथ का प्लान है 12600, 12 मंथ्स का प्लान 15750 ओनली। 12 महीने सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सारे पेपर, इससे कम फीस बेटा पूरे इंडिया में कहीं नहीं हो सकती है, और है ना, और 24 मंथ्स की फीस है 18900। अगर दोनों का गैप देखेंगे 3150, 1 महीने की एक्स्ट्रा फीस देने पे 1 साल का एक्स्ट्रा एक्सेस आपको मिल जाता है, ठीक है? तो ये आपका कोड है बच्चे, ये आपका कोड है जिसे आपने यूज करना है, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है मेरे बच्चों? आई बात समझ में? चलिए फिर तो शुरुआत करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के साथ, कुछ
कुछ प्रॉपर्टीज के शुरुआत करते हैं प्रोपोर्शन की। लिखिएगा बेटा पहली प्रॉपर्टी, इन पे क्वेश्चन आते हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही बनेंगे, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोपोर्शन लिखिएगा फर्स्ट, इफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी देन ए डी इक्वल टू बी सी। ए डी इक्वल टू बी सी मतलब क्या हुआ, ये ए बाई बी था, ये सी बाई डी था, तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए डी इक्वल टू बी सी हो गया ना। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से बोलते हैं इसको। इफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी देन बी रेशो ए इक्वल टू डी रेशो सी, यानी अगर ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है बच्चे, ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, इसको उल्टा कर दो, बी बाई ए कर दो, डी बाई सी कर दो, तो ये इक्वल रहेगा। अब आपको ये याद रखना है इसका नाम क्या है, इसको बोलते हैं इनवर्टेंडो, इनवर्स से बना है। इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा कर देना, हमने इसको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया, तो इसलिए इसका नाम क्या है, इनवर्टेंडो। अब आपको क्वेश्चन क्या देगा, एक कोई पहले मान लो ये दिया है ए बी सी डी दिया है, फिर इसको ऐसे करके, ये ऐसे दिया था, ऐसे करके दिखा दिया, बोलेगा ये कौन सा ऑपरेशन है, तो आप बोलोगे सर इस ऑपरेशन को इनवर्टेंडो बोलते हैं, इनवर्टेंडो बोलते हैं। आ रही बात समझ में बच्चे, ओके। नंबर तीन, इफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी देन ए रेशो सी इक्वल टू बी रेशो डी, यानी मैंने क्या लिखा, ए बी सी डी था ये, तो मैंने क्या किया, इस सी को उठा के और बी को उठा के इनके जगह है वो चेंज कर दी, ए बाय सी कर दिया, बी बाय डी कर दिया, तो ये इक्वल ही आएंगे, और इसका नाम है मेरे बच्चों अल्टरनेंडो, नोट कर लेना, इसको कहते हैं अल्टरनेंडो। नोट किया मेरे बच्चों अल्टरनेंडो, तो दो बता दिए मैंने आपको, लिखिएगा नेक्स्ट, इफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी देन ए प्लस बी बाय बी और सी प्लस डी बाय डी, यानी हमने क्या किया, ए बी था ये सी डी था, इसमें प्लस वन किया, इसमें प्लस वन किया, तो ये ए प्लस बी बाई बी हो गया, सी प्लस डी बाई बी हो गया, इस ऑपरेशन का नाम है कॉम्पोनेंडो, कॉम्पोनेंडो। अल्टरनेंडो बताया, इनवर्टेंडो बताया और कॉम्पोनेंडो बताया बच्चे, ये सारे बस ऑपरेशन याद रखने हैं आपने कि इसका इस नाम क्या है, बस इसी पे क्वेश्चन आएंगे। फिर नेक्स्ट लिखिएगा, इफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, ठीक है, ये कह रहा है ए माइनस बी रेशो बी इक्वल टू सी माइनस डी रेशो डी, यानी कि ए बाई बी और सी बाई डी था, माइनस वन कर दो, तो ये ए माइनस बी बाई बी हो जाएगा, सी माइनस डी बाई डी हो जाएगा, इसका नाम है बच्चे डिविडेंडो, डिविडेंडो, इसका नाम है डिविडेंडो।
हो गया बच्चे? इफ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी है, अभी ना प्लस बी करना है, ऊपर नीचे माइनस करना है, ऊपर प्लस करेंगे नीचे माइनस करेंगे, इसको बोलते हैं डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का मिक्स, इसका नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो ये बोलते हैं बच्चे इसे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? नोट करो मेरे बच्चों, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, डन? ओके। अगर ऐसे होता ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी इक्वल टू ई बाई एफ, और ये ऐसे ऐसे ही है, तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ, अगर हम लोग ऐसे कर दें बच्चे तो इसका नाम होता है एडेंडो, ये इक्वल रहेगा, इसका नाम है एडेंडो, नोट कर लो, ये सारी बातें एग्जाम में पूछी जाएंगी आपसे। इसको बोलते हैं एडेंडो, ठीक है मेरे बच्चे, समझ आया? और अगर इन्हें माइनस करके लिखते तो भी ये इक्वल आएगा, तो भी ये इक्वल आएगा, और उसका नाम होता है सब्ट्राहेंडो, अगर इसको माइनस करके लिखेंगे तो, ठीक है, नोट कर लो उसे भी, अगर माइनस करके लिखेंगे तो उसे बोलते हैं सब्ट्राहेंडो। ए माइनस सी माइनस ई बी माइनस डी माइनस एफ, तो उसे बोलते हैं सब्ट्राहेंडो, माइनस करेंगे तो सब्ट्राहेंडो हो जाएगा बेटा, डन? तो ये सारी प्रॉपर्टीज नोट कर लो, इसी के बेस पे फिर मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा। ये सारी प्रॉपर्टी नोट कर लो और एक बार रिवाइज कर लो बेटा, 2 मिनट का समय दे रहा हूं फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, 2 मिनट का समय दे रहा हूं फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा। चलिए जी, करूं शुरुआत, लिखो फिर। इफ एक्स अपॉन वाई इक्वल टू जेड अपॉन डब्ल्यू इंप्लाइज,
मॉड्यूल के क्वेश्चन करवा रहा हूं बेटा, मॉड्यूल से करवा रहा हूं क्वेश्चन। इंप्लाइज y अपॉन x इक्वल टू w अपॉन z, देन द प्रोसेस इज कोल्ड। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ए है डिविडेंडो, बी है कॉम्पोनेंडो, सी है ऑल्टरनेंडो एंड डी इज नन ऑफ दीज। चलो बताओ मेरे बच्चों क्या आंसर आना चाहिए। हाँ जी देखो, x अपॉन y था तो y अपॉन x किया, और z अपॉन w का w अपॉन z किया, तो ये उल्टा किया है। उल्टा करते थे तो इनवर्ट एंडो होता था, और सर इनवर्ट एंडो तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज। आई मेरी बात समझ में? चलो लिखो, इफ पी बाय क्यू इक्वल टू आर बाय एस इक्वल टू पी माइनस आर क्यू माइनस एस, द प्रोसेस इज कोल्ड। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिविडेंडो, बी कॉम्पोनेंडो, सी ऑल्टरनेंडो, डी नन ऑफ दीज। बताओ मेरे बच्चों क्या आंसर आएगा? ओहो मैंने ना ऑप्शन गलत लिख दिए, ऑप्शन मैंने गलत लिख दिए, चेंज करना पड़ेगा। सब्ट्राहेंडो, अभी सिखाया था ना, अगर ऊपर ऊपर माइनस कर देंगे सारे इक्वल होते हैं तो उसका नाम क्या होता है? सब्ट्राहेंडो होता है बच्चे, तो इसलिए आंसर आएगा इसका ए। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, इफ ए बाय बी इक्वल टू सी बाय डी इंप्लाइज ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, then the process is cold। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए है कॉम्पोनेंडो, बी है डिविडेंडो, सी है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, एंड डी है डी है नन। ऊपर प्लस किया नीचे माइनस किया बेटा, इसलिए आंसर आएगा कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इफ यू अपॉन वी डब्ल्यू अपॉन पी
देन यू माइनस वी अपॉन यू प्लस वी इक्वल टू डब्ल्यू माइनस पी अपॉन डब्ल्यू प्लस पी. द प्रोसेस इज कॉल्ड ए इन्वर्टेंडो, बी ऑल्टरनेंडो, सी एडेंडो, डी नन ऑफ दीज. नन ऑफ दीज. जी बच्चे बताइएगा इसमें से कौन सा आंसर आएगा. ये इन्वर्टेंडो है, ऑल्टरनेंडो है, एडेंडो है. सर ये नन ऑफ दीज है. ऊपर प्लस होता नीचे माइनस होता तो हम बात कर लेते कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है इनमें से. ऊपर माइनस होता तो कुछ होता ही नहीं है. ठीक है बच्चे ये लो 12, 16, x, 20 are in proportion, then x is, x की वैल्यू क्या होगी, a है 6, b है 8, c है 9, d है none. बताइए क्या आंसर आएगा. बताओ बच्चों. क्या बताया था भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई इक्वल होता है 12 इंटू 20 इक्वल टू 16 इंटू एक्स. एक्स की वैल्यू 12 इंटू 20 डिवाइड बाय 16. 4 से करेंगे 3, 4 से करेंगे 4, 4 से करेंगे 5. एक्स की, अरे कहाँ गड़बड़ हो गई, नन ऑफ दीज आंसर आ रहा है क्या. वन सेकेंड, 12, 20, 16 ये हो गया. 12 into 20 divided by 16, 4 से करेंगे 3, 4 से करेंगे 4, 4 से करेंगे 5. हाँ ठीक है. ओहो मैंने ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन के लिख दिए. वन सेकेंड मेरे बच्चों. ऑप्शन है हमारे पास 25, 14, 15 और नन. तो आंसर आ जाएगा हमारा 15. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4x 9 13.5 आर इन प्रपोर्शन, देन एक्स इज ए 6, बी 8, सी 9, डी नन. अब बताओ मेरे बच्चों क्या आंसर आएगा. बताओ बच्चों बताओ. इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई 9x इक्वल टू 13.5 इंटू 4,
एक्स इक्वल टू 13.5 इंटू 4 डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। देखो कितना आएगा, 13.4 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 9, 6 आ गया बेटा। तो ए आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? ओके लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीन प्रपोर्शनल, द मीन प्रपोर्शनल बिटवीन 1.4 एंड 5.6 इज ए 28, बी है 2.8, सी है 3.2, डी है नन। बताइए ए बी सी तीन नंबर, इसको बोलते थे मेन प्रपोर्शन। बी का फॉर्मूला क्या था, रूट ए सी। तो 1.4 इंटू 5.6 का रूट कर दो बेटा, 1.4 इंटू 5.6 का रूट कर दो, 1.4 इंटू 5.6 8.85। अरे भाई 1.4 है, 5.6 है, वो 2.8 आ रहा है भाई, आंसर आ रहा है 2.8। यही बात समझ में? चलिएगा नेक्स्ट लिखिएगा। If a by 4, b by 5, c by 9, then a plus b plus c by c is a 4, b 2, c 7, d none. Solve करो। बताओ क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चंस में जब तीनों चीज इक्वल है तो इक्वल टू के पुट कर देते हैं। ए आ गया 4k, बी आ गया 5k, सी आ गया 7k। तो सोल्व करेंगे, 4 + 5 9 + 7 16, 4 5 9 9 और 6, 4 5 9 9 और 9 18, 18 by 9 करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। अरे बात समझ में? डन। चलो लिखो, टू नंबर्स
बताओ बच्चों, टू नंबर्स आर इन द रेशो 3:4, 6 ऐड किया है दोनों नंबर में तो रेशो 4:5 हो गया। बताओ वो नंबर कौन से हैं, वो नंबर कौन से होंगे बताइए। अठारह और चौबीस 3:4 में है, अगर 6 ऐड कर दूं, 6 ऐड कर दूं, 24 और 30, अब ये 6:4, 6:5, 4:5 हो गया ना। हाँ तो बस यही तो आंसर है। आ रही है बस समझ में? चलो लिखो, बस एक दो क्वेश्चन और हैं, फिर मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। इफ ए बाय 4 इक्वल टू बी बाय 5 देन ए इज ए प्लस 4 अपॉन ए माइनस 4, बी माइनस 5 बी प्लस 5, बी इज ए प्लस 4 ए माइनस 4, बी प्लस 5 बी माइनस 5, सी इज ए माइनस 4 ए प्लस 4, बी प्लस 5 बी माइनस 5, डी है नन ऑफ दीज। बताओ मेरे बच्चों, इनमें से कौन सा सही है? सर ये वाला बी, क्योंकि ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो है। ये कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो है। ओके नेक्स्ट, इफ ए रेशो बी इक्वल टू 4:1 देन रूट ए बी प्लस रूट बी ए, इसकी वैल्यू क्या होगी? 5/2, 4, 5, none। तो ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 1 पुट कर दो, 4/1 प्लस 1/4, तो ये 2 हो गया, ये 1/2 हो गया। सोल्व करेंगे तो 2.5 यानी कि 5/2 यानी कि ए आंसर आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में बेटा? चलो एक और करो। इफ एक्स अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी देन बी माइनस सी इंटू एक्स, सी माइनस ए इंटू वाई, ए माइनस बी इंटू जेड इज, ए है 1, बी है 0, सी है 5, डी है नन। चलो मेरे बच्चों सोल्व करके दिखाओ। चलो मेरे बच्चों, जल्दी बताओ। क्या बताया था? जब तीन चीजें इक्वल के मान लेना बेटा, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा के इन टू बी प्लस सी माइनस ए, वाई इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी इन टू के, और जेड इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी इन टू के। और ये सारी वैल्यू ना एक्स की यहाँ, वाई की यहाँ, ये सब कट करोगे तो जीरो आंसर आ जाएगा। उसके बाद सारा कुछ जब सोल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? जीरो।
ठीक है। तो यहां पर बच्चों आपका ये मेन का टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। मेन हमने कंप्लीट कर दिया बेटा पूरा डिटेल से, सॉरी प्रपोर्शन, ठीक है, प्रपोर्शन कंप्लीट, रेशियो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लासेस में मैं कोशिश करूंगा आपको इंडिसीज और लॉगरिदम, ये सारे टॉपिक हैं वो भी बाकी कवर करवाऊंगा, ताकि एग्जाम में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएं। और मैं आप लोगों को बता दूं, हमारा जो यूट्यूब चैनल है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। दिसंबर में हम लोग इको का मैराथन करने वाले हैं, कंप्लीट इकोनॉमिक्स रिवाइज करवाने वाला हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। और मेरा कोड SPSUNIL1, इसको यूज करना ना भूलें बेटा। जब हम लोग प्लस कोर्स को सब्सक्राइब करेंगे तो ये कोड यूज करने पे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कोई डाउट्स हैं आपके रेशो में, प्रपोर्शन में, तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर जो मेरी स्पेशल क्लास है फ्री क्लास, उसके लिए आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसे सब्सक्राइब कर लो। ये सब कुछ फ्री है, स्पेशल क्लासेस भी फ्री रहेंगी, और सब्सक्राइब करने के बाद जो क्लासेस मैं पहले कर चुका हूँ वो क्लासेस भी आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे जल्दी ही, बाय बाय।